अभी सोनिया गांधी जी ने हम सबके आग्रह पर राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार का अपना पर्चा दाखिल किया है। हम सब ने उनका नॉमिनेशन कराया है। बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान से यहाँ पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, और आज सोनिया जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेसजनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रही और अब राज्यसभा जा रही राजस्थान से, हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसका मैं समझता हूँ एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में भी और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। ये जो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार की जिद है कि अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों का समाधान नहीं हो रहा। हमने, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी कल खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम MSP को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है, उनको लागत के हिसाब से उनको अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। हमने तो कमिटमेंट किया है, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक कमिटमेंट किया है MSP को सरकारी जमला पहनाकर लागू करने का, और ये केंद्र सरकार है जो किसानों की हितेशी बनती है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पे रखकर 3 काले कानून बनाए, फिर 1.5 साल एजिटेशन रहा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वो विड्रॉ करे, और ये कमिटमेंट किया था 2 साल पहले कि हम MSP पे कानून बनाएंगे। अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। और अगर आंदोलन किसान कर रहे हैं तो बजाय किले लगा देना, उनको रोकना, बैरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल प्रयोग करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उससे बेहतर होता उनको बुलाकर उनसे वार्ता करते और इस समस्या का समाधान ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं लेकिन जुमलाबाजी हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। विपक्ष की चाल बता रहे हैं, इतने सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में पूरे अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं? इस पर कांग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करती है क्योंकि मांग से हम सहमति रखते हैं, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों की मांग मांगनी चाहिए, और जिस प्रकार का बल प्रयोग कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है कि किसान इसको बर्दाश्त नहीं कर